सोशल मीडिया पर एक वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो रहा है जो कि बाराबंकी के सिटी लॉ कॉलेज का बताया जा रहा है, जिसमें बाराबंकी निवासी शिवम सिंह नाम के विधि छात्र ने फेसबुक लाइव के जरिए सिटी लॉ कॉलेज में चल रहे सामूहिक नकल के गोरख धंधे का सजीव प्रसारण कर नकल माफिया के खिलाफ प्रदेश की योगी सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति की धज्जियां उड़ा दी है। उत्तर प्रदेश सरकार में उत्तर चलते हैं, सीधे डीएम साहब लाइव पर हैं। आइए आप लोगों को दिखाता हूँ किस तरह से सरकार भ्रष्टाचार रोकने का काम कर रही है। आइए देखिए, देखिए गाइड, ये देखिए गाइड, देखिए 9:45 हो रहे हैं, ये पेपर, ये गाइड, ये देखिए गाइड, कॉलेज में लगातार हो रहा भ्रष्टाचार, ये देखिए गाइड, ये देख लीजिए, दो चार नहीं पूरे पूरे विद्यालय में गाइड है। हाँ भाई साहब दे रहे हैं, एक मिनट रुक जाइए, देखिए लाइव डीएम साहब हैं, बोलना मत नौकरी चली जाएगी। लाइव 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 LLB के पांचवें सेमेस्टर के छात्र शिवम का आरोप है कि जनपद के चर्चित TRC लॉ कॉलेज प्रबंधन द्वारा प्रति छात्र 50,000 रुपए का सुविधा शुल्क लेकर सामूहिक नकल कराने का ठेका लिया जा रहा है। सामूहिक नकल का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद हड़कंप मच गया है। इस वायरल वीडियो की पुष्टि जनसंदेश टाइम्स नहीं करता है, ये तो जांच का विषय है कि ये सही है या गलत। योगी सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति को जमकर पलीता लग रहा है, प्रशासन सबको जान कर भी मौन, खुलेआम उड़ाई जा रही हैं धज्जियां। जहां अभी तक कुछ दिन पहले ही उत्तर प्रदेश सरकार ने काफी सालों बाद एक पुलिस भर्ती निकाली जिसमें सॉल्वर गैंग के चलते भर्ती परीक्षा को रद्द कर दोबारा परीक्षा कराई जाने का सरकार ने निर्णय लिया है। देखने वाली बात यह होगी कि सिटी लॉ कॉलेज पर किस तरह की कार्रवाई होती है या फिर सामूहिक नकल का खेल यूं ही जारी रहेगा।